सो दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट सेलेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर हम सही प्रोडक्ट नहीं चूज करेंगे तो हमारे जो सेल है, जो हमारा कन्वर्जन रेशियो है, वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा। यानी हमें जो है मेहनत तो हम पूरी करेंगे लेकिन हमें जो है उससे आउटपुट नहीं मिलेगा, और जिसकी वजह से हम एफिलिएट मार्केटिंग को छोड़ भी सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम इसी विषय पे बात करेंगे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिजनेस आइडियाज बाय मंजीत सिंह। सो दोस्तों, जहां तक बात आती है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट सिलेक्शन, तो हम कोई भी प्रोडक्ट उठाकर जो है सोशल मीडिया पे हमारे कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उसका जो है दिखाना या उसको प्रमोट करना, उस पर मेहनत करने से जो है हमारा कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है उसको जो है हम भले ही प्रमोट कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उस पे जो है देखने के बाद लोगों को दिखेगा लेकिन लोग उस पे क्लिक नहीं करेंगे, और क्लिक नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो उन वेबसाइट्स पे नहीं जाएंगे जिनके साथ हम एसोसिएटेड हैं, और जब वहां नहीं पहुंचेंगे तो डेफिनेटली कोई भी खरीदारी नहीं होगी और हमें कुछ भी जो है अर्निंग वहां से नहीं होने वाली। सो दोस्तों, प्रोडक्ट अगर सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है चार क्राइटेरिया। बेसिकली चार क्राइटेरिया के बीच में ही हमें जो है इन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब जर्नल कोई भी प्रमोशंस वगैरह कुछ भी अलग से नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जो सबसे रेगुलर जो चीजें हमें करते रहना है वो कैटेगरी हमारी कौन सी होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट ना करें, हमारा जो प्रोडक्ट सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया होना चाहिए वो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ट्रेंडिंग टॉपिक्स का कहने का मतलब है जो भी ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अब अगर मोबाइल कोई नया लॉन्च हुआ है तो वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप उस मोबाइल से रिलेटेड जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग लिंक्स जो शेयर करें, चाहे वो अपनी वेबसाइट हो, चाहे आपके खुद के व्हाट्सएप का ग्रुप वगैरह हो, या फिर आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ ऐसे नए नए ब्रांड लॉन्च होते हैं, तो आप कपड़ों के अंदर, चाहे वो वुमेन फैशन से रिलेटेड हो या मैन फैशन से रिलेटेड हो, तो आप उनको जो है जो नया लेटेस्ट अगर ट्रेंड के अंदर चल रहा है उनको आप प्रमोट करें। तो यानी कि कहने का मतलब पहला जो ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया है वो है ट्रेंडिंग कैटेगरीज, ट्रेंडिंग जो अभी चल रहा है ट्रेंड के अंदर। तो ये जो ट्रेंडिंग जो है वो आपको हमेशा आप पे ध्यान रखना है कि अभी ट्रेंड के अंदर आज की डेट में क्या चल रहा है। सो दोस्तों, उनको जो है आपको प्रमोट करना है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो आज की जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं, इनके पास, हर किसी के पास अपनी डील फॉर द डे होती हैं, और डील फॉर द डे के अंदर आपको हर कैटेगरी मिल जाएगी। आपको होम अप्लायंस वगैरह की मिल जाएगी, होम डेकोरेट का मिल जाएगा, मैन फैशन, वुमेन फैशन, वेरेबल, चाहे वो स्मार्ट वॉचेस हो या अदर फैशन वॉचेस वगैरह हो, इयररिंग्स वगैरह हो, ज्वेलरी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल है या किसी भी तरह की ज्वेलरी वहां पे अवेलेबल है। फिर उससे रिलेटेड आपको जो है जैसा जैसा सीजन आएगा उसी हिसाब से आपको जो है फ्रिज वगैरह मिलेंगे, एसी मिलेंगे, तो इस तरह से जो है रूम हीटर्स वगैरह मिलेंगे। तो ये सारी डील फॉर द डे के अंदर भी आपको जो है कैटेगरी बहुत सारी देखने को मिलती है। तो आपको जो है कुछ कैटेगरी तो डील फॉर द डे में से भी डेली आपको प्रमोट करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको इवेंट के ऊपर टारगेट करना है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, या फिर अगर न्यू ईयर हो, इस तरह के बहुत सारी जो डील्स वगैरह जो हैं, आपके इवेंट जो हैं, आपको उनको टारगेट करना है। क्योंकि डेफिनेटली जिस भी तरह का वो इवेंट होता है उससे रिलेटेड जो भी चीजें आप कैटेगरी की होती हैं उस कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा सेल होती है। सो दोस्तों, आपको जो है ये इवेंट्स को भी टारगेट करके रखना है, माइंड में हमेशा अपनी लिस्ट में अपडेट रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसमें आपका इवेंट का जो है बहुत ही महत्व रहेगा। क्योंकि इवेंट के अंदर जो है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी सेल मिलने वाली है, अगर वहां से प्रोडक्ट आप उठा के अगर प्रमोट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी जो इन अर्निंग्स रहती हैं वो स्पेशली इन इवेंट्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आपका कन्वर्शन रेशियो प्लस जो है आपका अर्निंग जो है वो डेफिनेटली आपका ग्राफ जो खड़ा हो जाता है,
और टॉप की तरफ बढ़ता है वो डेफिनेटली आपका इवेंट्स को टारगेट करके ही बढ़ पाएगा। दोस्तों उसके बाद आपका जो चौथा मेरा जो सबसे बेस्ट तरीका है सिलेक्शंस का और जिसपे आप जो है काफी अच्छी ज्यादा सेल बढ़ा सकते हैं वो है इनके खुद के स्पेशल ऑफर्स। जैसे कि कोई भी वेबसाइट अगर Amazon की बात करें तो Amazon के ऊपर भी जो है इवेंट्स और रिलेटेड भी काफी सारी डील्स आती हैं जो कि स्पेशल डील्स होती हैं, साथ साथ एक एक हफ्ते की होती है, कुछ 15 दिन की होती हैं। इस तरह के जो स्पेशल ऑफर ये बीच बीच में लॉन्च करते रहते हैं, बिग बिलियन डे वगैरह हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे चाहे फ्लिपकार्ट हो Amazon हो इनका जो भी लॉन्चिंग डेट है उसमें जो है काफी ज्यादा अच्छे जो यहाँ पे सेल मिलते हैं, ऑफर्स मिलते हैं, समर के ऑफर्स वगैरह काफी सारे ये लोग स्पेशल जो है प्रोवाइड करते हैं। आप उन स्पेशल ऑफर्स पे ध्यान दें और वहां से भी जो है प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आपने प्रमोट करें, क्योंकि अगर इन चारों कैटेगरी के जो है आपको स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो आपका होगा कि आप किसी पर्टिकुलर एक ही ट्रेंड को पकड़ के चलते रहोगे कि चलो यार मुझे आज का जो ट्रेंडिंग है वो यही लेके चलना है, लेकिन इवेंट को टारगेट नहीं करोगे, डील फॉर द डे को टारगेट नहीं करोगे और स्पेशल ऑफर्स जो आते हैं उनको टारगेट नहीं करोगे तो आपका कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे, डेफिनेटली प्रोडक्ट सेल होंगे, कमीशन बनेगा आपका, कन्वर्जन रेशियो तो डेफिनेटली बना रहेगा, लेकिन वो एक एवरेज चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है मेहनत कर रहे हैं तो पैसा जो यार जितना ज्यादा पैसा हमें मिल सके वो किसी को बुरा नहीं लगता है, हर किसी को पैसा जब उनकी जेब में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप जो है ये चार तरीकों का इस्तेमाल करें। पहला, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हमेशा ध्यान दें, यानी कि जो ट्रेंडिंग जो चल रही है कैटेगरीज उन पे ध्यान दें, उनको जो है प्रमोट करें। सेकंड, आपको डील फॉर द डे पे जो है उनमें से कुछ प्रोडक्ट आपको हमेशा डेली पे डालने हैं। फिर तीसरा आपको जो ध्यान देना है वो इवेंट्स को ध्यान देना है। चौथा, आपको स्पेशल ऑफर्स वगैरह का ध्यान देना है। सो दोस्तों ये चार तरीकों के अंदर ही आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है आपके करने हैं, तभी आपका जो रेशियो कन्वर्जन रेशियो है वो हमेशा पे आपके पास मिलेगा, काफी बढ़ता रहेगा हमेशा, क्योंकि जब नया नया चीज प्रमोट करोगे दिखाओगे और तभी जो है आपका वहां पे कन्वर्जन रेशियो भी इंक्रीज होगा। सीधा सा फॉर्मूला है इस मार्केटिंग के अंदर, जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको हमेशा दिखते रहना है, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कॉन्टेक्ट्स को अपने ग्रुप में शेयर कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कर रहे हो, वेबसाइट पे कर रहे हो, उसको रेगुलर आपको अपडेट देते रहना है डेली बेसिस पे, तभी जाकर जो है आपको कन्वर्जन रेशियो देखने को मिलेगा, ट्रैफिक देखने को मिलेगा और जो है तभी आपकी अर्निंग भी काफी अच्छी खासी हो पाएगी। सो दोस्तों आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो किस तरह से करना है। तो बेसिकली ये मैं चार स्ट्रेटेजी जो है मेरी वो मैं यूज करता हूं, जहां से जो है मेरा कन्वर्जन रेशियो जो है काफी अच्छा है और आने वाले जो हम इस पे चल रहे हैं, जो कि हमने अभी एफिलिएट अकाउंट जो बनाया है उसमें भी जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपके साथ साथ में प्रैक्टिकली करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ट्रैफिक जो है अपने पोर्टफोलियो में आता है और वहां पे जो है कन्वर्जन रेशियो जो है वो किस तरह से रह पाता है। सो दोस्तों आई होप कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।